हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डीपी राय चौधरी का पोर्ट्रेट फिर से बनाएंगे, वो भी इस पेंसिल के माध्यम से, क्योंकि कल हमने पोर्ट्रेट तो बनाया था लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं दी थी। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा कि किस तरह हम पेंसिल के माध्यम से डीपी राय चौधरी का पोर्ट्रेट तैयार कर रहे हैं। डीपी राय चौधरी का पूरा नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। इनका जन्म 1899 ईस्वी में ताजहाट बांग्लादेश में हुआ था। इनके दादा का नाम था हेडियम राय चौधरी, जो मूर्तिकार थे। डीपी राय चौधरी भी मूर्तिकार थे। इनकी शिक्षा कलकत्ता कला विद्यालय से हुई थी। चित्रकला की शिक्षा अवनीनाथ टैगोर से प्राप्त की थी और मूर्तिकला की शिक्षा अपने दादा हेडियम राय चौधरी से प्राप्त की थी। डीपी राय चौधरी विदेशी मूर्तिकार रोदिन से बहुत प्रभावित थे। मूर्तिकला की शिक्षा हेडियम राय चौधरी अपने दादा से प्राप्त की थी, ये तो हम पहले बता दिए। ये बांसुरी वादक, कुश्ती, निशानेबाज भी थे। भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था 1958 ईस्वी में। यह यथार्थवादी शैली के कलाकार थे। डीपी राय चौधरी ने तेल चित्रण की शिक्षा विदेशी इटालियन कलाकार बॉयस से प्राप्त की थी। इनके प्रमुख चित्र हैं मुसाफिर, खतरनाक रास्ता, निर्वाण, आंधी के बाद, महल की गुड़िया, कौतूहल, जीवन, ज्योत, पुल आदि, लेपचा, कुमारी, नेपाली लड़की आदि इनकी प्रमुख चित्र हैं। इनकी प्रमुख मूर्तियाँ हैं लेवर एट वर्क मूर्ति, जो कांच से बनी है, जिसे श्रम की विजय कहा जाता है, जो आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। दूसरी है स्वतंत्रता स्मारक मूर्ति, जो कांच से बनी है, पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। सड़क बनाने वाला, अंतिम प्रहार, भूख से पीड़ित, दांडी मार्च की प्रतिमा आदि मूर्तियां इन्होंने कांच से बनाई थी। व्यक्तियों की भी मूर्तियां बनाई इन्होंने, एनी बेसेंट की, मोतीलाल नेहरू, सीआर रेड्डी की भी इनकी मूर्तियां बनाई। डीपी राय चौधरी मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य 1929 ईस्वी में बने थे। भारत सरकार ने ललित कला अकादमी का प्रथम अध्यक्ष चौधरी को नियुक्त किया था। 1955 ईस्वी में टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में डीपी राय चौधरी को चुना गया। डीपी राय चौधरी की मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी और ये बंगाल शैली के कलाकार थे। तो फ्रेंड्स, डीपी राय चौधरी के बारे में बस इतना ही कहूंगी। जो भी हमने डीपी राय चौधरी के बारे में बताया है वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो विगत परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।